हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे मोदी जी? इस बार मोदी जी का थर्ड टेन्योर किस तरह से अलग होगा, क्या होगा देश के भविष्य का, क्या होगा इन सभी सवालों का जो बार बार सभी के सामने आ रहे हैं। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को लोकसभा 2024 के इलेक्शन में जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और इनके आगे के बेहतर भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। मोदी जी ने आखिर ये चुनाव किसी भी परिस्थिति में जीत ही लिया। पिछले दो टेन्योर की तरह इस बार इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने जीत अपने हिस्से में कर ली। अपारी है इनके शपथ ग्रहण समारोह की, जो पहले 8 जून को तय हुआ था, लेकिन फिर इसे 9 जून को कर दिया गया। इस बदलाव का ज्योतिषीय कारण क्या हो सकता है वो जानने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के लिए ज्योतिष में पंचांग या मुहूर्त का विशेष महत्व होता है, और ये मान्यता भी है कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य लंबे समय तक शुभ परिणाम देता है। तो ऐसे में मोदी जी का शपथ समारोह तो बहुत ज़्यादा विशेष है, उनकी पार्टी के लिए, उनके स्वयं के लिए और भारत की जनता के लिए भी। कहते हैं एक राज्य में अगर उसका राजा स्ट्रांग है तो दूसरे राज्यों का डर लगभग खत्म हो जाता है। 9 जून के मुहूर्त की बात करें तो शाम को 7:15 बजे मोदी जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उस समय भी वृश्चिक लग्न ही उदय हो रहा है, जैसा कि मोदी जी का अपना खुद का लग्न है, यानी उनकी कुंडली का लग्न भी वृश्चिक है। जब हम वर्षफल का चार्ट देखते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देते हैं कि उसका लग्न क्या है, कौन सा लग्न उदय हो रहा है। अगर ये लग्न जन्म का लग्न होगा तो ये समय उस व्यक्ति विशेष के लिए शुभ फलदायी नहीं होता, परेशानियां उस व्यक्ति के सामने आने लगती हैं। तो मेरे हिसाब से ये मुहूर्त का समय मोदी जी के लिए कुछ चैलेंजिंग तो ज़रूर रहने वाला होगा। उसका कारण ये भी हो सकता है कि इस बार वो गठबंधन की सरकार जो बनाने वाले हैं, उस दिन शुक्ल पक्ष है, सूर्योदय के समय तृतीया तिथि है और शपथ के समय चतुर्थी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, गर करण है जो 3:44 तक रहेगा, उसके बाद वणिज करण होगा। रविवार का दिन है, ज्येष्ठ का मास है, सर्वात सिद्ध योग है और साथ ही रवि योग भी है। इतने शुभ योगों के कारण मोदी जी के शपथ के लिए ये खास समय चुना गया। लेकिन हर शुभ योग के साथ अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है तो बहुत अच्छा होता है। जिस समय ये मुहूर्त है उस समय की कुंडली अगर देखें तो वृश्चिक राइजिंग लग्न है और लग्नेश मंगल 6th हाउस में अपनी ही मेष राशि में है। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय 3 चीज़ जरूर देखनी चाहिए, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। देखिए ये जो समय शपथ क्या है उससे देश को तो जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मोदी जी के लिए बहुत बड़े चैलेंज का समय हो सकता है, क्योंकि लग्नेश का 6ठे घर में जाना रोग, ऋण और शत्रु के हिसाब से ठीक नहीं है। यहाँ मोदी जी को संभलना होगा, जो मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में भी बताया है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 9th हाउस में अपने ही घर में है, शायद इसीलिए 9 तारीख का मुहूर्त निकाला गया है, वरना चंद्रमा 8ठ भाव में चला जाता तो यहाँ चंद्रमा कमज़ोर हो जाता। लग्नेश 6th हाउस में होने से इसका अर्थ है कि मोदी जी खुद अपनी प्लानिंग के साथ अपने विरोधियों का सामना करने में सक्षम है और आगे आने वाले समय में उनके प्लान, उनकी योजना और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और स्ट्रिक्ट होकर ये अपने काम करेंगे। अपने विरोधियों को, अपने अगेंस्ट चलने वाले लोगों को एक नया लेसन पढ़ाने की तैयारी में भी मोदी जी नज़र आएंगे। मुहूर्त के समय ज्येष्ठा नक्षत्र उदय हो रहा है, जिसके लॉर्ड बुध हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में बनने वाली कुंडली किसी भी व्यक्ति को विचारधारा में रहने की बजाय समय के साथ काम करना या चलना पसंद करते हैं, और ऐसे व्यक्ति किसी भी मौके और परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाने में भी सक्षम होते हैं।
इस नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में ही होते हैं, जिसके स्वामी मंगल हैं और मंगल वाले गुण मोदी जी में भरपूर हैं और वो सारे गुण इस समय की कुंडली में भी नज़र आते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता इंद्र हैं, जो बारिश के लिए देखे जाते हैं। इस समय के अनुसार मोदी जी का जो रुझान है वो देश के किसानों के प्रति ज़्यादा देखने को मिलेगा। उनको बेहतर फसल के लिए पर्याप्त पानी और अच्छी फसल की सभी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि आप देखिए फसल के लिए बुध, जुपिटर और वीनस का इम्पैक्ट लग्न पर होना बहुत ज़रूरी है और ये तीनों ही ग्रह सप्तम भाव से यानी वृषभ राशि से लग्न को अपना इन्फ्लुएंस दे रहे हैं और वृषभ राशि खाद्य सामग्री को इंडिकेट करती है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा योग यहाँ दिखाई देता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो लग्न की डिग्री के करीब है यानी 25 डिग्री पर, और सूर्य दशमेश भी है, जो वर्तमान में जो भी सरकार होगी उसका डिसीजन स्ट्रिक्ट रूप से देश के किसानों के लिए भी होगा, ताकि भारत जो कृषि प्रधान देश है वो पूरे विश्व में अपनी एक अलग जगह बना सके। पुनर्वसु नक्षत्र है, जो एक चर और गतिशील नक्षत्र है, और अदिति इस नक्षत्र के देवता माने जाते हैं। योग और करण के साथ साथ सूर्य की अच्छी स्थिति किसी भी राजकीय कार्यों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। राजकीय कार्य हो और सूर्य से संबंधित काम करने में यदि रविवार भी शामिल हो तो ये योग, ये मुहूर्त बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ये सभी ग्रह यानी गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य, ये सभी स्थिर राशि वृषभ में है, सप्तम भाव में, और पुनर्वसु नक्षत्र में होने से सरकार किसी भी डिसीजन के लिए स्थायी रहने वाली है। सप्तम भाव में शुक्र और बुध दोनों अस्त हैं, लेकिन गुरु और सूर्य दोनों अच्छी स्थिति में हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सप्तम भाव गठबंधन की सरकार भी है, तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बुध और शुक्र के अस्त होने से बहुत सारे विचार इस गठबंधन सरकार को चलाने में सामने आने वाले हैं और इस कारण इस पार्टी में अंदरूनी टकराव भी संभव है। शनि इस कुंडली में फोर्थ भाव में है स्वराशि होकर, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब शनिदेव मीन राशि में आएंगे यानी 30 मार्च 2025 में, तब ये फिफ्थ हाउस में राहु को ज्वाइन करेंगे, तब गठबंधन की इस सरकार के लिए नई चुनौतियां सामने आएंगी। मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में 3-4 साल पहले कहा था कि 2026-27 का समय मोदी जी के राजनीतिक जीवन के लिए सही नहीं होगा, ये इसका परित्याग कर देंगे या फिर किसी योग्य व्यक्ति के हाथों सत्ता सौंप देंगे। ये योग शपथ ग्रहण की कुंडली में भी साफ दिखाई दे रहा है। ये शपथ का मुहूर्त देश के किसानों के लिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ शनि भी लग्न, सूर्य और शुक्र की डिग्री के क्लोज है, लेकिन उनके स्वयं के लिए ये समय उचित नहीं है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भारत के विकास में मोदी जी जो भी करना चाहें उन्हें उचित मार्ग मिल सके। लेकिन हम अगर भारत के चार्ट की बात करें तो देश में आने वाले समय में क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं उसे हम ज्योतिष से देखने का प्रयास करते हैं। वृषभ लग्न के इस चार्ट में राहु है, जिस पर अभी गोचर में स्वराशि का शुक्र है, जुपिटर है, सूर्य है और बुध है, और ये सभी ग्रह नेटल राहु के ऊपर है लग्न में। अगर देखा जाए तो अभी लोकसभा के इलेक्शन में जो केंद्र में सरकार है उसकी क्या सिचुएशन है आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि लग्न देश की वर्तमान सरकार की स्थिति को बताता है। राहु के ऊपर इतने ग्रहों का प्रभाव है जिसमें इन ग्रहों की कुंडली में लॉर्डशिप का भी प्रभाव है। जैसे शुक्र लग्नेश और षष्ठेश है, जुपिटर अष्टमेश और लाभेश है, और सूर्य चतुर्देश है, बुध धनेश और पंचमेश है, तो इन सभी का प्रभाव लग्न पर होने से देश की जनता ने केंद्र की सरकार के साथ क्या किया, यूपी से बीजेपी की वो जीत नहीं हुई जितनी उम्मीदें थी। यानी राहु ने यहाँ लग्न में सूर्य को अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया, लेकिन सूर्य को गुरु का साथ मिला तो बीजेपी केंद्र में वापसी भी कर पाई है। अब देखते हैं इस चार्ट में दशा क्या रोल प्ले करती है आने वाले समय को देखते हुए।
अभी कुंडली में चंद्रमा की महादशा है 2025 तक, उसके बाद मंगल की दशा शुरू हो जाएगी। चंद्रमा कुंडली के थर्ड हाउस में स्वराशि के हैं और उस पर कई सारे ग्रहों का प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा कई ग्रहों की लॉर्डशिप के कारण कई राजयोग में भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें शुक्र लग्नेश है, शनि दशमेश है, बुध पंचमेश है और सूर्य चतुर्देश है। थर्ड हाउस प्रयास के साथ आगे बढ़ने का भाव होता है, परिश्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है। 2015 से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है, तब से आप देख सकते हो कि देश किन किन विषम परिस्थितियों से बाहर निकला है और पहले से ज़्यादा उभर कर सामने आया है और पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया है। दशमांश चार्ट में आप चंद्रमा की स्थिति को देखिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये चंद्रमा क्या लेकर आया है अपनी दशा में। यहाँ चंद्रमा सेकेंड हाउस में है पंचमेश होकर। ये जो भाव हैं, दोनों भाव सेकेंड हाउस और पंचम हाउस, दोनों धन को और समृद्धि को इंडिकेट करते हैं और साथ ही दोनों भाव धन और प्रॉस्पेरिटी से भी जुड़े हुए हैं। अब अगर अंतरदशा लॉर्ड को देखा जाए, जो शुक्र है और ये 2023 से शुरू हुई है। लग्न चार्ट में हमने चंद्रमा के साथ शुक्र को देखा जो एक अच्छा राजयोग बना रहा है, और दशमांश चार्ट में आप देखिए चंद्रमा सेकेंड हाउस में है और शुक्र स्वराशि का होकर अष्टम भाव में है, वो भी देश में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, नेम फेम देश को दिला सकता है अपनी दशा और अंतरदशा में। इस समय पर यानी चंद्रमा में शुक्र की अंतरदशा में देश को सम्मान और एक हाई स्टेटस मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से मिलने वाली रिस्पेक्ट को, समाज में स्थान को और एक ऊंची पदवी को भी इंडिकेट करता है। यानी 2025 तक देश अपना नाम दुनिया के विकसित देशों में लिखवा सकता है। उसके बाद चंद्रमा में सूर्य की दशा आएगी जो चंद्रमा की अंतिम दशा होगी। लग्न चार्ट में चंद्रमा सूर्य के साथ है थर्ड हाउस में, तो इस समय पर देश की सरकार देश के हित में काम करेगी। अगर दशमांश चार्ट देखें तो सूर्य दशम भाव में है और दशम भाव कर्म क्षेत्र का भाव है, हमारे कर्मों का भाव है, और इस सूर्य को लग्नेश और दशमेश जुपिटर देख रहा है फोर्थ भाव से। फोर्थ भाव और दशम भाव कर्म क्षेत्र से मिलने वाला सिंहासन है, एक ऐसा सम्मान है जिसे पूरा विश्व देखेगा। गुरु और सूर्य की ये जो पोजीशन है वो समाज में रिस्पेक्ट भी दिलाती है, तो हो सकता है इस समय पर 2025 में देश को अपने किसी कार्य क्षेत्र को लेकर एक बहुत बड़ा सम्मान मिल जाए। मोदी जी का कार्यकाल भी 5 वर्ष का रहने वाला है, तो हम इस समय की सभी दशाओं को समझते हैं। चंद्रमा के बाद देश की कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी जो 2032 तक रहेगी। तब तक मोदी जी का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और आप देखिए अभी इनकी भी मंगल की दशा चल रही है। देश की कुंडली में मंगल सेकेंड हाउस में है जो द्वादशेश और सप्तमेश है, और मंगल पापकर्त्री में होकर 12th और सप्तम भाव के फल भी देगा। दशमांश चार्ट में मंगल सेकेंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड होकर केतु के साथ 6th हाउस में है। इसका अर्थ आप समझ सकते हो कि मंगल की दशा देश के लिए बेहतर परिणाम वाली नहीं होगी। लग्न चार्ट में मंगल और केतु दोनों एक दूसरे से 6th-8th एक्सिस में है, यानी षडाष्टक में है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि दशमांश में भी ये दोनों 6th हाउस में हैं। लग्न चार्ट की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव पर केवल राहु और केतु का प्रभाव है, किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है, और दशमांश में भी सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव है, किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है, जो देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। मंगल में जब राहु केतु या शनि का पीरियड आएगा, यानी 2025 से लेकर 2027 के बीच में, तब ये समय भारत के लिए परेशानी लेके आने वाला हो सकता है, और यही समय मैंने मोदी जी के लिए भी कहा है कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं या उनका ये पद रिक्त रह सकता है कुछ समय के लिए। उसी समय पर देश में परेशानी का माहौल बन सकता है। ऐसे में मोदी जी की शपथ कुंडली का समय भी सही नहीं लगता देश में आने वाले कुछ समय के बाद। अब देखना होगा क्या होता है आगे आने वाले समय में,
जो भी होगा वो ईश्वर जानते हैं, हम केवल ज्योतिष की गणना के आधार पर अपना विश्लेषण करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ज्योतिष की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।